जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। पूछेंगे हम, सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। पूछेंगे हम, सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है, आरटीआई जब से लागू हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ कविता। जिस मरुभूमि पर सूचना के अधिकार की मुहिम को पंख लगे थे, आज वही पंख कतर दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले राजस्थान में सूचना के अधिकार के कानून को लागू किया गया था। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या है जमीनी हकीकत। आजादी के साथ ही संविधान ने देश के लोगों को 7 मूल अधिकार दिए, वो अधिकार जिससे देशवासी आजादी को महसूस करने लगे। इन अधिकारों ने देश को स्वराज तो दिया, लेकिन गांधी जी का स्वराज नहीं मिला। सही स्वराज की कल्पना साकार करने के लिए लंबे संघर्ष के बाद देश के लोगों को सूचना का अधिकार मिला। एक ऐसा अधिकार जो मंत्रियों और अफसरों की गुलामी से आम जनता को मुक्ति दिलाता है। कानून बन गया, लागू हुए भी अरसा गुजर गया, लेकिन शासन तंत्र की जकड़न ने सूचना के अधिकार को भी जकड़ लिया। सूचना का अधिकार आम आदमी के लिए एक सपना बनकर रह गया है। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, यूं बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव गांव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। मेरे खेतों को ये जीवन के 60 बरस देख चुके रामलाल ने जब जाना कि ऐसा भी कानून है जो उन्हें उनका हक दिला सकता है, ये बात जानते ही उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी और दौड़ पड़े आरटीआई के इस्तेमाल के लिए। जी हाँ, ये है रामलाल। दबी आवाज, लड़खड़ाते कदमों से लगा रहे हैं सूचना आयोग के चक्कर। पिता को अलॉट हुई जमीन की नकल मांगी, जो आज तक नहीं मिली। फौजी पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे रामलाल को सूचना आयोग से ना उम्मीदी मिल रही है। 4 साल से भी ज्यादा समय गुजरने के बाद भी इंसाफ की बात तो दूर, सूचना तक नहीं मिल पाई है। बुजुर्ग रामलाल को चिंता है कि उनके मरने के बाद उनके बेटों को भी आयोग के चक्कर लगाने होंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, सिर्फ निवासी जल्दी करो, वो कहते हैं उपलब्ध नहीं होगी।
तहसीलदार खड़े थे, हम फर्स्ट इंडिया की टीम ने दौरा किया राज्य सूचना आयोग का। एक साल पहले ही नए भव्य भवन में सूचना आयोग को अपना खुद का भवन मिल गया है। जी हाँ, बाहर से रंगीन दिखने वाले भवन के अंदर की दुनिया बदरंग नजर आई। ये नजारा है भवन की पहली मंजिल पर चल रही कोर्ट का, जहाँ कहीं से सूचना नहीं मिलने के बाद फरियादी बैठे हैं इंसाफ मिलने के इंतजार में। हम आपको मिलाते हैं ऐसे फरियादी से जो अपनी कहानी खुद बयां करेंगे। 2011 के अंदर अपने भाई साहब और भाभी जी की पेंशन इन्होंने मरमर्जी से कोषालय मंडाव उप कोषालय मंडाव ने इनकी पेंशन बंद कर दी। उसके बारे में हमने इनसे सूचना मांगी गई, सूचना मांगी थी, इन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी है। और वो जो इनके जो भी दस्तावेज थे पेंशन के, वो ऑलरेडी इन्होंने पता नहीं कहाँ क्या छुपा दिए या फाड़ दिए। हमने निवेदन किया तो उसके बाद में हमारी पेंशन, भैया की पेंशन स्वीकृत हो गई। स्वीकृत होने के बाद में हम पेंशन के लिए गए तो उन्होंने हमें दस्तावेज दिया कि आप सरपंच से भरवा के ले आइए, और सरपंच ने ये स्टेटमेंट दिया अगर मेरी पार पड़ेगी तो मैं आपको पेंशन जिंदगी भर तक नहीं लेने दूंगा। इस आयोग के चक्कर काटते हुए 3 साल हो गए जी। शादीराम अलवर से कई मीलों की दूरी तय करके हर तारीख पर राजधानी जयपुर में बने सूचना आयोग के चक्कर पर चक्कर काटते हैं, लेकिन मिलती है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। जब हम घर से चलते हैं तो सुबह 4 बजे हमें को चलना पड़ता है हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से, और यहाँ तक आने के अंदर एक आदमी का 150 रुपये किराया लगता है, मतलब 500-600 रुपये एक बार आने का खर्चा लगता है हमारा। और यहाँ आकर के जब भी आते हैं तो या तो साहब नहीं मिलते हैं, या फिर तारीख बदल देते हैं, या कुछ होता भी है तो उसमें कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है। करीबन 6 महीने या 12 महीने की तारीख बिटवन मिलता है। लंबी लड़ाई के बाद आम जनता को मिला सूचना का अधिकार। आखिर क्या है सूचना का अधिकार और कैसे मिल रही है आपको सूचना? क्यों लग रहा है सूचना पाने में इतना वक्त? सूचना के अधिकार के 3 पहलू हैं। मतलब पहला चरण है जिसमें कि व्यक्ति सूचना मांगता है, और जिसमें लोक सूचना अधिकारी को सूचना देनी होती है 30 दिन में। और यदि दूसरे चरण से भी वो खुश नहीं है तो ऐसे सूरत हाल में वो अपील कर सकता है, द्वितीय अपील। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे महेंद्र बोहरा जोधपुर से आते हैं, इस उम्मीद से कि आज तो इंसाफ मिलेगा, लेकिन 3 साल हो गए इन्हें चक्कर काटते हुए। आइए जानते हैं क्या है इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैंने जोधपुर खनिज अभियंता से सोडो की ढाणी, एक क्षेत्र है वहाँ पे खनिज के लिए क्षेत्र है 516 नंबर से 587 तक, उस पर कितने आवेदन लगे उनकी सूची, उन आवेदनों पे कितने खारिज किए आपने उनकी सूची उनसे मांगी थी, जो आज 2014 तक तो न तो हमें सूचना मिली है। उसके पश्चात मैंने निर्धारित समय अवधि के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी, उस समय प्रमुख शासन सचिव हुआ करते थे खान विभाग, उनके पास अपील की, उन्होंने किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की। उसके बाद मैंने 27/9/2010 को सूचना आयोग में अपनी प्रथम द्वितीय अपील पेश कर दी। उसके तहत 2011 में 13/5/2011 को इन्होंने मुझे सुनवाई के लिए बुलाया, उसमें इन्होंने मुझे 2012 की डेट दे दी, उसके बाद इन्होंने मुझे 2013 की डेट दी, उसके बाद इन्होंने आज की डेट थी मेरी, उसमें भी इन्होंने आज किसी प्रकार का फैसला देना या सूचना दिलाई जाए या नहीं दिलाई उसके लिए किसी प्रकार का इन्होंने निर्णय नहीं किया है। मैं जोधपुर से आता हूँ लगभग 350 किलोमीटर, ये मेरा 5वां चक्कर है। जब अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो ये विभाग के पक्ष में फैसला तुरंत कर देते हैं, इसलिए हमें आना पड़ता है सूचना प्राप्त करने के लिए। जिस हिसाब से सूचना आयोग में कामकाज चल रहा है उस हिसाब से तो हमें उम्मीद है ही नहीं कि हमें सूचना ये दिलाएंगे। ये है प्रेम नारायण, इनकी कहानी भी कुछ महेंद्र बोहरा जैसी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत की तो अफसर शाही की सांसें फूल गईं। ये भी उन्हें तभी समझ में आया कि आखिर कितनी ताकत है आरटीआई में।
लेकिन ये ताकत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। जी हाँ, प्रेम नारायण भरतपुर से इस उम्मीद में आते हैं कि सूचना आयोग में मिलेगा इंसाफ। वह तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आंखों में नमी है, माथे पर पसीना, इस चिलचिलाती धूप में तय किया है मीलों का सफर। मैं यहाँ पर जयपुर लगभग 15-16 बार आ चुका हूँ, जो काफ़ी खर्चा सहन करना पड़ता है। करीब 400 रुपये एक बार का आने जाने का खर्चा होता है। भूखा प्यासा सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ और रात को 6-7 बजे पहुँचता हूँ। मेरे दादाजी ने सन 1987 में गांव के 8 बीघा और 1/3 हिस्सा कुएं का एक दूसरे व्यक्ति रामजीलाल जाट को बेचा था। उसे बेच करके उन्होंने रीको में भूखंड आवंटित कराया था कि मेरे परिवार को कोई उद्योग लगाएंगे ताकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। विद्युत कनेक्शन लिया, रीको से आवंटित कराया, लीज डीड कराई और उसका प्रवेश करते गृह प्रवेश करने वाले थे तब तक उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में रीको के कर्मचारियों से मिलकर के उसमें जो मुलाजिम जो मुंशी रखा हुआ था गोपाल प्रसाद, उसने रीको के कर्मचारी से मिलकर के जालसाज कर करके और अपना नाम जुड़वा करके एक फर्जी पट्टा तैयार करके मेरे पिताजी को दे दिया और उन्होंने आधे भूखंड पर कब्जा कर लिया। मैंने उनसे भूखंड के मूल लीज डीड, मूल आवंटन, मूल पत्रावली मांगी थी और जो भूखंड पर ऋण दिया गया उसके बैंक का नोट जो रीको को दिया गया वो मांगा था, लेकिन उन्होंने उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिए। लेकिन यहाँ भी तारीख पर तारीख 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी तक फाइल टेबल पर ही नहीं आई है उनके। प्रथम अपील में सूचना नहीं मिलने के बाद द्वितीय अपील की जाती है और द्वितीय अपील में तकरीबन 1 साल की तारीख मिल रही है और कई सालों के बाद सूचना मिलना बेमानी साबित हो रहा है। आइए नजर डालते हैं सूचना आयोग की हकीकत पर। राज्य सूचना आयोग में अपीलों का अंबार लगा हुआ है। साल 2006 में कुल 297 अपीलें मिली, जिनमें से 185 निस्तारित हो पाई और लंबित रह गई 147। इसी तरह 2007 में कुल अपीलें मिली 1662, जिनमें से निस्तारित हुई 1461 और निलंबित अपीलें रह गई 348। सन 2008 में 2082 कुल अपीलें मिली, जिनमें से 1674 निस्तारित हुई और लंबित रह गई 756। 2009 में 3786 कुल अपीलें मिली, जिनमें से 2133 निस्तारित हो गई और बाकी रह गई 2409। इसी तरह 2010 में कुल 4960 अपीलें मिली, जिनमें से 4042 तो निस्तारित हो गई लेकिन फिर 3317 अपीलें निलंबित रह गई। साल 2011 में 7575 कुल अपीलें मिली, जिनमें से 3120 अपीलें निस्तारित हो गई और 7782 लंबित रह गई। इसी तरह 2012 में कुल अपीलें मिली 7250, जिनमें से निस्तारित हुई 3524 और लंबित रह गई 3726। अगस्त 2013 में कुल अपीलें मिली 4174, निस्तारित हुई 2117 और फिर लंबित रह गई 2057। इस तरह अब तक कुल लंबित अपीलों की संख्या है 14361। सूचना के अधिकार के कुछ और पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। हम हक से जानेंगे। पूछेंगे हम, सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। पूछेंगे हम, सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है, RTI जब से लागू हुआ है।
जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। पूछेंगे हम, सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। पूछेंगे हम, सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है, RTI जब से लागू हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सूचना का अधिकार, ये तीन शब्द कैसे नाउम्मीद बन रहे हैं सूचना आयोग में, आइए देखते हैं। सूचना आयोग में जाते समय घनश्याम दास के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण थी कि आज तो इंसाफ मिल ही जाएगा, लेकिन सुनवाई के बाद बाहर आए तो निराशा के भाव चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। ये माथे पर शिकन है उस व्यवस्था के खिलाफ जो 60 सालों के बावजूद नहीं बदली है। मीटर वाली है, फर्जी फोटो खींचे, फर्जी बिल दिया, मैंने उनकी सत्यापूर्ति मांगी लेकिन नहीं दी। जो कार्रवाई यहाँ चल रही है, गलत फर्जी बिल के पैसे जमा करवाए, लेकिन अभी तक 2 तारीख निकल गई, ना तो चेक आया है, ना ही उन बिलों के लिए सुनवाई का अवसर दिया है, जबकि कोर्ट ने निर्धारित आदेश दिए कि 1 महीने में तो पेमेंट कर दिया जाए। ये 2012 से लगा रहा हूँ चक्कर। कहीं सूचना नहीं मिल रही है तो कहीं फैसला मिलने के बाद भी लागू होने में 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। मदरसा बोर्ड के अंदर जो सूचनाएं मांगी थी हम लोगों ने, बड़ी बहुत लंबी सूचनाएं थी, 7,320 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने के बावजूद 3 साल के इंतज़ार से सूचना नहीं मिली। और सूचना आयोग के अंदर भी इससे पहले हमें हाईकोर्ट जाकर के गुहार करनी पड़ी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद में जो हाईकोर्ट सूचना आयोग ने जो फैसला सुनाया है उसकी भी अक्सर से पालना नहीं हो रही है। इतना बड़ा फैसला होना और इस तक इसकी सूचना अभी तक नहीं मिलना बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग मजबूर हैं और हम पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाने को मजबूर हो रहे हैं। राज्य सूचना आयोग में करीब 15,000 अपील पेंडिंग है और सुनवाई के लिए सिर्फ एक मुख्य सूचना आयुक्त है। ऐसे में जल्द सूचना देने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और सूचना आयोग को इंतजार है सरकार की मेहरबानी का। तब तक चल ही रहा है काम राम भरोसे। जनरली पेंडेंसी का कारण तो ये होता है डिस्पोजल से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हो और इंस्टीट्यूशन स्वाभाविक रूप में ज़्यादा है। शुरू में 2010 के अंदर एक CIC के साथ एक IC की नियुक्ति हुई थी तो 2 व्यक्ति हो गए थे और ये सोचा था कि 2 व्यक्ति होने से कुछ डिस्पोजल बढ़ेगा, परंतु दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उसी बीच में पुराने CIC का स्थानांतरण हो गया, वो स्थान समय समाप्त हो गया उनका समय समाप्त होने के बाद दूसरा CIC नियुक्त नहीं हुआ और उसके बाद अब CIC नियुक्त कर दिए गए, IC को ही CIC नियुक्त कर दिया गया और उसके बाद कोई नया IC अभी तक नियुक्त नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप में एक आदमी के बस में जितना है करीब 500 केसेस के आसपास डिस्पोजल होता है वो कर रहे हैं। लॉ जब मैंने आपसे कहा कि एक तो सेंक्शन पोस्ट है थी उसके अगेंस्ट ही नियुक्त नहीं हुआ तो आप सोच लो हमने नहीं कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पर बहुत सारी चीज़ें हमारे से ज़रूरी नहीं कि लिखित में जाएं। जहाँ तक मेरा ज्ञान है 2 इस समय सेंक्शन पोस्ट IC की हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, अभी तो उस पर नियुक्ति नहीं हुई है। जैसे नियुक्ति हो जाएगी स्वाभाविक रूप में डिस्पोजल बढ़ जाएगा। मुख्य सूचना आयोग के भरोसे सूचना आयोग चल रहा है, जबकि नियम ये कहता है कि 10 आयोग की भर्ती की जा सकती है। लिहाजा हाईकोर्ट की फटकार लगाने के बावजूद राज्य सरकार गहरी नींद में सो रही है। सूचना का अधिकार कानून कितना मजबूत साधन है आम इंसान के लिए, जी हाँ, यही है सूचना का अधिकार जिसने एक व्यक्ति की नौकरी बचा ली ऐसे समय में जब हर जगह से सिर्फ निराशा हाथ लग रही थी। जो इसरो अहमदाबाद में काम करता है उसका फ़ोन आया हमारे पास, हम एक हेल्पलाइन भी चलाते हैं उस पर, और उसने कहा कि मैं 2 साल से मैंने यहाँ पॉलिटेक्निक की डिग्री ली है जयपुर के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज से, लेकिन उस डिग्री का जो प्रिंटेड डिग्री जो मिलती है वो डिग्री मुझे अभी तक हैंड ओवर नहीं हुई है, सिर्फ मेरे को मार्कशीट मिली है। तो जब तक प्रिंटेड डिग्री नहीं मिलेगी तो मुझे वहाँ पर नौकरी में
प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी डिग्री यहाँ सबमिट कराओ तब आपकी नौकरी परमानेंट करेंगे। अब मेरी मैं साल भर से इनसे मांग रहा हूँ कि मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चलेगी, पर दे ही नहीं रहे। तो जैसे ही आरटीआई लगाई तो लगाने के विद इन द लाइक 20 डेज उनकी जो डिग्रीज थी वो प्रिंट भी हो गई और उसके बाद में वो प्रिंट होके उसके पास एक महीने में पहुँच भी गई। तो ये आरटीआई का कमाल है। राजस्थान में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक खाली पड़े सूचना आयुक्तों के पदों को नहीं भरा है। दरअसल अब सरकार के पास सिर्फ एक महीने का ही समय बचा है। स्वर्गीय छत्र सिंह जी मेहता साहब जो हमारे संरक्षक थे, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की और जनहित याचिका के माध्यम से सरकार पर यह दबाव डालाया कि राजस्थान में सूचना आयुक्तों के पद अविलंब भरे जाएं। माननीय सूचना आयोग ने 13 फरवरी 2014 को सरकार को ये निर्देश दिए थे। राजस्थान में सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कानून के संबंध में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन आंदोलन किया था जिसका नेतृत्व अरुणा राय ने किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। आंदोलन के बाद से ही राजस्थान में सबसे पहले जून 2006 में आरटीआई ने काम करना शुरू किया। जून 2006 से अब तक राजस्थान सूचना आयोग का कार्यालय 3 बार परिवर्तित हुआ। वर्तमान में सिर्फ एक ही सूचना आयुक्त हैं। करीब एक वर्ष दो आयुक्तों ने मिलकर आयोग चलाया। नवंबर 2006 में एमडी कोरानी मुख्य सूचना आयुक्त थे। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद सितम्बर 2011 में पूर्व सचिव टी श्रीनिवासन को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। वर्तमान में सूचना आयोग एकमात्र मुख्य सूचना आयोग के भरोसे चल रहा है। आरटीआई एक्ट के मुताबिक राज्य में एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 आयुक्त लगाए जाने चाहिए। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रिमंडल के एक सदस्य की सहमति से होती है। पिछली सरकार ने उदासीनता दिखाई, वहीं अब नई सरकार ने भी 5 महीने का समय बीतने के बाद भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। करीब 7 वर्षों में राजस्थान सूचना आयोग में सिर्फ रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी को ही सूचना आयुक्तों के रूप में चुना है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सामाजिक न्याय और पत्रकारिता के क्षेत्र के लोगों की भी की जा सकती है। राजस्थान में इसकी पहल आज तक नहीं हुई। आरटीआई एक ऐसा कानून है जिसकी मदद से बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। वे अफसर जो कभी सूचना देने से कतराते थे, आज सूचना का अधिकार की एक छोटी सी अर्जी के सामने खुद को बेबस और लाचार महसूस करते हैं। लिहाजा सूचना के अधिकार ने जनता को सवाल पूछने और जवाब पाने का अधिकार दिया है। दरअसल सूचना का अधिकार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का अहम हथियार है, लेकिन मकर जाल जैसी हमारी व्यवस्था ने इसे भी भौंतरा कर दिया है। अब सवाल फिर खड़ा होता है कि कब स्वराज सुराज में बदलेगा। क्या आम आदमी का सूचना का हक उसे मिल पाएगा? क्या आजादी की बयार अंतिम छोर तक पहुंचेगी? हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि चक्कर पे चक्कर काटने के बाद भी और तारीख पे तारीख मिलने के बावजूद भी सूचना नहीं मिल रही है। लिहाजा अब देखना है कि क्या वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे सहयोगी विजय करण के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। या मंत्रालय का दफ्तर, किसी गांव का अस्पताल हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम करेंगे, कैसे होता काम काज हम हक से जानेंगे। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। सरकार हमारी, ये देश हमारा है, ये सरकार हमारी।